फायदा मिला। पहचान का मोहताज नहीं है। बिग बॉस ओटीटी 3 की कंटेस्टेंट को पड़ोसी बोलते थे पागल, लेकिन इसने बिग बॉस ओटीटी 3 में धमाकेदार आगाज किया। भले ही वो शो नहीं जीत पाई हूं, लेकिन वो अब सनसनी बन गई है। देसी छोरी का अंदाज सभी को खूब भाया। हम उनसे बातचीत करेंगे। शिवानी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सभी को मेरा नमस्ते जी। शिवानी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 3 के प्लेटफॉर्म पर आप वहां पर गई, आपने इतना नाम किया और आपने बहुत शानदार खेला, लेकिन ग्रैंड फिनाले के ठीक पहले आप एलिमिनेट हो गई। कैसी रही आपकी बिग बॉस ओटीटी 3 की जर्नी, सफर कैसा रहा आपका? बस ग्रैंड फिनाले पे हम थे ही, मतलब फिनाले पे पहुंच ही गए थे और नॉमिनेट हो गए, तो अच्छा तो नहीं लग रहा था। एकदम से घबराहट हो रही थी, आंसू निकल रहे थे कि ये क्या हो गया, मतलब ट्रॉफी कितने करीब हो के हम जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाहर निकले और देखा ऑडियंस का प्यार इतना सारा, तो मेरे लिए वो ट्रॉफी छोटी पड़ गई उन लोगों के प्यार के आगे। अच्छा, इतने दिन आप इस तरह के शो में पहले कभी नहीं गई, क्या सीखा आपने, क्या सीख हासिल हुई वहां से? वहाँ मैंने सीखा अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, सब तुम्हारे जैसे नहीं है। जैसे गांव में किसी को कुछ बोल दो तो सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा तो आप ऐसे किसी को कुछ नहीं बोल सकते। बहुत मेरी आवाज़ को बेकार बताते थे लोग कि इसकी आवाज़ चुभती है कानों में, अच्छा नहीं बोलती है ये, क्योंकि वहाँ सब बड़े बड़े लोग थे, इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए लोग थे। हम तो लेकिन हिंदी मीडियम में भी अगर पढ़े हैं और आप अच्छे से हिंदी में भी बात कर सकते हैं, आप जिस भाषा शैली की बात कर रही हैं, आपकी भाषा शैली को लेकर आपको बहुत टारगेट किया गया, इस पर क्या कहेंगे जी? हाँ, तो यही कह रहे हैं कि अगर गांव से हम भाई कभी शहर में नहीं गए हैं, गांव अगर शहर में रहे भी हैं, कानपुर रहते भी हैं, तो ना ही हम किसी से बातचीत करते हैं ना कुछ, लेकिन वहाँ ऐसे मेरी आवाज को बोल रहे थे कि इसकी आवाज चुभती है। जिस आवाज से इतने आगे गए थे, जिस आवाज से लोगों ने मुझे पसंद किया था, वहाँ लोग ये बोल रहे थे कि इसकी आवाज चुभती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सीखने को मिला कि कभी भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है। पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो मुझे पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा फील हुआ कि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी होती या बहुत अच्छे हिंदी मीडियम से ही पढ़ी होती, सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जहाँ हम पढ़े थे, तो बस यही लगा कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी बहुत नाम कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना रहे हैं, तो बस सरकारी स्कूल की नहीं है। आपको टारगेट भले ही भाषा शैली को लेकर किया गया, तो अब आपने क्या सीखा, अपना काम करना, अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया, क्योंकि अब तो आप एक फिल्म भी करने वाली है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, एक मूवी कर रहे हैं, तो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो बस अपने ऊपर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतने आगे जाएंगे, यही सीखा। अच्छा, बिग बॉस में सबसे ज्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? सपोर्ट तो ऐसे किसका नाम ले, मेरे जो टीम में बैठते थे सना मकबूल, विशाल भाई और ये कटारिया भाई, ये सब लोग बैठते थे, तो जहाँ सपोर्ट करने का टाइम आया था, जैसे कि अब वोट जब मैं नॉमिनेट हुई थी तो घर की वोटिंग ली गई थी, तो मेरी टीम ने ही मुझे वोट कर दिया था, तो ऐसे मैं क्या बोलूँ कि सपोर्ट था। जैसे कि अब विशाल भाई के लिए लपकेश भाई खड़े थे एनी टाइम मेरे साथ, ऐसा कोई नहीं, मैंने ऐसा मतलब ये हमेशा याद रहेगा कि मैंने ऐसा कोई भी नहीं जोड़ पाया था कि हाँ अगर मेरे लिए कोई खड़ा रहता। लेकिन चंद्रिका गेरा दीक्षित फड़ा पाव गर्ल के साथ तो आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, वो बॉन्डिंग काम नहीं कर पाई? हाँ, मैंने मतलब वो यही बोल रही थी दीदी कि आप टीम कितनी है, जैसे कि मैं और सना मकबूल और चंद्रिका दीदी एक साथ रहते थे, ज्यादा बातचीत भी होती थी, तो वो ये कहते थे कि तीन तितलियां रहो साथ में रहो, ये है वो है। जब चिट्ठी लिखने की बारी आई तब वो हमको भूल गई, तो मुझे खराब लगा कि मतलब तीन तितलियां बोलती हैं,
ग्रुप बनाती हैं, लेकिन आप बहन भी बोलती हो और बहन का ही सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो ये कहीं ना कहीं दिखावा था। अच्छा, और रणवीर शौरी के साथ भी आपका बड़ा झगड़ा होता था घर में, वो आपकी आपको बातों को लेकर, आपकी भाषा को लेकर आपको टॉन्ट मारते थे, फिर आप भी उनको अपने अंदाज में टॉन्ट करती थी। हाँ, तो इन लोग जोक तो चलती ही रहती थी, उनको लगता था कि हम ये जो भी है विक्टम कार्ड खेल रहे हैं गांव की भाषा बोल के, या ये सब रहना हाँ, दिखाना ये विक्टम सब। विक्टम कार्ड आपने कहा, विक्टम कार्ड को लेकर बड़ा टारगेट किया गया आपको कि आप गांव की भाषा बोलकर, और सब सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए कर रही है ताकि आपको आपके एरिया से अच्छे खासे वोट मिले। तो एरिया से क्या, हम ब्लॉग भी इसी भाषा में बनाते थे, हम ब्लॉग भी तो यही भाषा में बनाए, अपनी भाषा में अगर बात करें, अब हम इंटरव्यू हैं जो हिंदी में भी बोल लेते हैं, लेकिन जो हमारी मेन भाषा है वो तो मेरी गांव की भाषा है, उसको हम कैसे भूल जाएं, और हम बिल्कुल 4 दिन के लिए कहीं गए हैं तो अपनी भाषा थोड़ी भूल जाएं। अच्छा, तो इसको आप किसी से बात होती है? बिग बॉस में इतने सारे आपके फ्रेंड बने, इतने सारे कंटेस्टेंट थे, अब किसी से बॉन्डिंग रही, किसी से बात होती है, किसी से मिली हाँ आप, होती है, किस किस से बात होती है? मेरी बात विशाल भाई से होती है, सना मकबूल से होती है, और कटारिया भाई से होती है, 3 लोगों से कंटिन्यू बात होती है मेरी। अच्छा, ये अच्छे फ्रेंड हैं आपके? हाँ अच्छे फ्रेंड, भाई भी अच्छे हैं। ठीक है, अब चलिए शिवानी आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में, वो भी शामिल हो गए हैं, और आशीष भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। आशीष, ओवर टू यू। शिवानी, हाय फ्रेंडा। हाय फ्रेंड, नमस्ते सर। कैसा लग रहा है अब? अच्छा स्टार बन गई हो? स्टार बस आप लोगों की दुआ है, देन आप लोगों ने से प्यार सपोर्ट किया। तो शिवानी, हम भी आपके पड़ोस के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, और आपकी बोली भाषा परिवेश को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते भी हैं। और आपको ये बता दें कि आपको बहुत सारे लोगों ने, यूपी और पश्चिमी यूपी और तमाम यूपी के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास बहुत मैसेज आए कि शिवानी को जोड़िए, शिवानी को जोड़िए। आज वो मौका आया जब आपको, आपके साथ बातचीत हो रही है। मेरा ये सवाल है शिवानी कि एक फिल्म आ रही है आपकी राजपाल जी के साथ? हाँ आ रही है मेरी फिल्म। क्या नाम है, क्या रोल है आपका? घोड़ी पे चढ़ के आना मेरा मेन रोल है, हीरोइन का रोल है। तो अच्छा, सीधे शिवानी अच्छा, आप हीरोइन बन, हीरोइन बन गई? मतलब अभी हीरोइन बन तो नहीं गए, अब फिल्म देखते हैं, करते हैं, कर पाएंगे या कैसे होगी, पहली मूवी होगी मेरी, तो बस उसी पे ध्यान दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छे हो जाए। तो कब तक शूटिंग हो जाएगी और कब फिल्म रिलीज होगी? रिलीज का तो नहीं पता, लेकिन अक्टूबर से शूटिंग चालू है। अच्छा, अब क्या कर रही गांव में आप? वीडियो वीडियो बना रही हैं, सेलिब्रिटी हो गई हैं, तमाम लोग फोटो खिंचाने आते होंगे, क्या कर रही हैं गांव में? कुछ नहीं, बस ब्लॉग बनाते हैं और वर्कआउट अभी कर रहे हैं मूवी के लिए। और जब बिग बॉस से वापस आई तो सम्मान लोगों से मिला, प्यार मिला, क्या कहेंगे आप? सम्मान प्यार इतना सोचो नहीं तो कि इतने लोग हमें पसंद करे हैं, जैसे बिग बॉस के घर में कोई पसंद नहीं कर रहा तो सब उल्टे सीधे बातचीत बोल रहे थे, आवाज कला का बोल रहे थे, लेकिन बाहर हमें इतने लोग पसंद कर रहे हैं ये उम्मीद नहीं होती। अंदर का चल रहा वो तो छोड़ो, लेकिन बाहर इतने लोग प्यार कर रहे हैं वो देख के ना बहुत खुश भए हम। हम भी बहुत खुश भए हैं आपके इस टोन को, इस लहजे को गांव से उस स्तर पर ले जाना जहां पर बॉलीवुड के तमाम लोग हैं, और जो हमारी बोली परिवेश है, हमारे घर में तो आपको बहुत ज्यादा देखा गया बिग बॉस में। अच्छा, शादी को लेकर क्या इरादा है? शादी का तो अभी पता नहीं है, अभी तो उम्र भी इतनी नहीं है और करियर बनाना है अभी। लेकिन आपकी शादी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा था और आपकी जो मदर है वो उस पर सवाल खड़े कर रही थी, तो शादी को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, आपकी मर्जी से या फिर मम्मी आपके लिए कोई लड़का पसंद करेंगी? मम्मी को बोला अगर तुमको अच्छा लगता है तो तुम देख दो, नहीं तो फिर हम अपने मन पसंद का ही करेंगे। मम्मी को जो पसंद होगा। हाँ अच्छा, बोला तो है मम्मी, मम्मी बोलती हैं कि आप बेटा तुम ही ढूंढ लो, हम कहाँ अब जाएंगे बूढ़ी उम्र, ये बोलती हैं। हमने कहा जब मौका लगेगा
तो वो दिन आएंगे तब कर लेंगे शादी, अभी तो नहीं कर रहे। अब तो वैसे भी आप हीरोइन बन गई है तो पूरा टाइम लेंगी, अपने करियर को पूरा टाइम देंगी, उसके बाद देखा जाएगा आगे। अब तो काफी लंबे दूर की बात हो गई है शादी शिवानी के लिए। हाँ हाँ शिवानी, बिग बॉस से कितना पैसा मिला आपको वहां से? ये नहीं बता सकते। अच्छा मतलब अच्छा खासा मोटी रकम मिली है शिवानी को? मोटी रकम नहीं कहते बिग बॉस, बस अच्छा। ये है कि अब तुम्हारा आना जाना का हो जाए, रूम हो जाए, बस इतना ही देते उनको। तो बस ये होता है कि आप आओ, तुमको वहाँ जाके तुमको खुद फेम मिल जाएगा, तो वो पैसे नहीं देते इतने ज्यादा। अच्छा शिवानी, हम वीडियो देख रहे हैं आपका और सुना है आप कोई डाइट चार्ट फॉलो कर रही है, आप जिम जाने लगी है, अच्छी फिजिक करना चाहती है आपकी फिल्म के लिए, क्या रूटीन है आजकल आपका? रूटीन बस यही है, सुबह रोटी छोड़ दी मैंने। अच्छा रोटी खाना छोड़ दिया है? रोटी छोड़ दी, मूवी में अच्छा दिखना है तो फिर ये तो है, तो अच्छा दिखना पड़ेगी। अच्छा क्या आगे आप करियर में क्या चाहती है? मूवी तो अभी आप कर रही है, लेकिन आगे के प्लान्स क्या है आपके? अभी कोई प्लान्स नहीं, बस इसी पे काम चालू है, बस मूवी अच्छे से निकल जाए उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। मतलब शिवानी ने कुछ तो सोचा होगा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, कहाँ आप अपने आप को देख रही हैं? बस हमें गरीब लोगों की मदद करना ज्यादा अच्छा लगता है, बस आगे आगे जो भी होगा तो उनके लिए करेंगे। शिवानी शिवानी हाँ, तीन ऑप्शन है आपके सामने, क्या राहुल, मोदी या अखिलेश यादव? क्या शिवानी? हाँ आशीष जी कह रहे हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन है, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अखिलेश यादव। किसको सपोर्ट करती है, किसको पसंद करती है एज ए पॉलिटिशियन? मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है, इस पे तो कुछ नहीं बोलेंगे हम। शिवानी आपको कोई किसी की तो आइडियोलॉजी पसंद होगी ना, किसी की विचारधारा जो है जो आप पसंद करती होगी। मेरी ऑडियंस है जो सब मेरे लिए सपोर्ट करती है, तो मेरे लिए सब बराबर है, मैं इसमें नहीं पड़ती हूँ कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए अनन्या, बहुत ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया है। हाँ क्योंकि अखिलेश यादव के इलाके से आती हैं, इटावा और रैया से, उनका भी विरोध नहीं कर सकती, और अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ हैं, और मोदी जी क्योंकि वो सबके प्रिय नेता हैं तो उनका विरोध भी नहीं कर सकती। शिवानी सीख गई हैं कितना जवाब कहाँ देना है। बिल्कुल बिग बॉस में सिखाया शिवानी, अब बड़े हो रहे हैं तो कुछ तो सीखेंगे। अच्छा आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर अनिल कपूर? आमिर खान। ओहो अनिल कपूर पसंद नहीं है आपको? वो भी है, सलमान को भी हटा दिया, सलमान को भी साइडलाइन कर दिया। अच्छा एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको? एक्ट्रेस मेरी एक्ट्रेस अभी जो फिलहाल अभी जो मेरी फेवरेट हुई है वो है आलिया भट्ट। अच्छा शिवानी ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितने तक हुई है, कहाँ तक पढ़ी है? टेम्परेली है सब। वैसे कोई तो दर्जा क्लास स्कूल बीए कर रहे हैं, बीए अभी कर रहे हैं, बस यही है कि बस जाते हैं पेपर देने, घर बैठे वाली पढ़ाई चल रही। शिवानी कभी सोचा नहीं कि पुलिस भर्ती का फॉर्म भर दें? सोचते थे, हमारा सपना तो आर्मी में लगने को। ठीक है अच्छा 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 शिवानी आपकी क्योंकि चंद्रिका गिरा दीक्षित के साथ हमने देखा वड़ा पाव गर्ल के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी बिग बॉस में, जब वो जा रही थी तो आपसे गले लगकर बड़ा रोई भी थी, बहुत इमोशनल हो गई थी आप भी और वो भी। अब वड़ा पाव खाया क्या आपने, आप गई उनकी शॉप पर? नहीं नहीं बुलाया आपको उन्होंने? नहीं। बाहर जब आप आई थी तो आपने मुलाकात तो उनसे की थी और उन्होंने कहा भी था कि आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, मुझे एक छोटी बहन मिल गई बिग बॉस से। बोलने से और करने में बहुत अंतर होता है। अच्छा फेक लगती है क्या आपको वो जो वो करती हैं, जिस तरीके से मेरे साथ उन्होंने किया है उस तरीके से तो मुझे फेक ही लगने लगी थी, क्योंकि
एक इंसान छोटी बहन बोल के उसको नीचा दिखा दे तो वो फेक ही लगेगा ना, कि ये बहन भी बोलती है एक तरफ और ये ऐसा भी कर रही है। अच्छा, नेजी कैसे लगे आपको बिग बॉस में? नेजी भाई भी ठीक थे, लेकिन हमें वो पसंद नहीं करते थे। अच्छा, आपको ठीक लगते थे वो, आपको सपोर्ट करते हाँ, थे? हाँ ठीक लगते थे उनके लिए तो, मतलब पहली बार जब नॉमिनेट हुए थे तब हमने जनता से अपील भी की थी कि हाँ। अंदर से ही कि नेजी भाई को सपोर्ट करना आप लोग, लेकिन पता नहीं नेजी भाई की और हमारी, मतलब नेजी भाई की नहीं बनती थी। फिर धीरे 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 हम कोशिश भी करते थे कि नेजी भाई से बनाए हाँ। फिर थोड़ा बहुत समझने की वो कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अरमान मलिक, कृतिका मलिक को तो आप पहले से ही जानती थी, लेकिन घर में आपको उनकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला या मिला? अगर नहीं, उनका इतना सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने पहले मतलब पहले में ही लड़ाई, सबसे पहले उन्होंने ही लड़ाई की थी हमसे हाँ। तो ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने ही आपको वोट आउट भी किया था सबसे पहले। क्या उन्होंने ही आपको वोट आउट भी किया था सबसे पहले? कृतिका ने हालांकि सपोर्ट किया था आपको। नहीं, कृतिका पायल ने, पायल भाभी ने सपोर्ट किया हाँ। था पहले बार में। हाँ, कृतिका भाभी ने नहीं नॉमिनेट किया था, पायल भाभी ने और अरमान भाई ने, दोनों लोगों ने नॉमिनेट किया था पहली बार में हाँ। अच्छा, आप पहले से जानती हैं अरमान मलिक की, पूरी फैमिली को ही जानती हैं आप, बिग बॉस और बिग बॉस से बाहर आपको कितना अलग नेचर दोनों का या तीनों का ही देखने को मिला बिग बॉस के अंदर? बाहर आप लोग देख ही रहे हैं, इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहते, वैसे भी जनता उनको इतना सब कुछ बोल रही है तो मैं क्या बोलूं। लेकिन आपको थोड़ी उम्मीद तो होगी ना कि पहले से जब आप किसी को जानते हैं और फिर साथ में किसी घर में रह रहे हैं तो एक होता है ना, उम्मीद रहती है कि ये अपने हैं या इनसे हम मिल चुके हैं, ये हमें उतना सपोर्ट करेंगे। और आपको तो पायल भी और कृतिका दोनों ही कहती थी मेरी छोटी बहन है। अब नहीं किया एक इंसान अपने लिए कुछ भी, उनका क्या नेचर है, कैसे वो देख रहे हैं, क्या उनको उनके दिमाग में चल रहा है, तो यही सब समझ के हमें पता नहीं उनको का है सपोर्ट नहीं करो, का है मेरे अंदर उनको का दिखो, तो अब इसका हम का बोल सकते, इंसान की जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि हमें सपोर्ट करो हाँ। अच्छा शिवानी, आप लॉकअप टू में भी जाने वाली है क्या? लॉकअप टू नहीं, नहीं। और कोई ऑफर आपके पास? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आप फिलहाल एक फिल्म कर रही हैं हाँ। खतरों के खिलाड़ी में भी जाने का कोई प्लान है, आप जाना चाहती हैं? भैया उसमें तो बहुत डर लगा है, तमाम माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ से खुद आए थे वे। अच्छा, तो शिवानी लेकिन हर बार ये जरूर कहती रही है कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, तो अब मेरा सवाल आपकी फैमिली से जुड़ा है, फैमिली में कौन कौन है और क्या चाहती है, कितना सेटल करना चाहती है आप अपनी फैमिली को कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये भी कहती रही हैं कि पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें आप लोग आपके सामने आपकी फैमिली के साथ रही। फैमिली के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं किया था, अभी तक हम सब फैमिली के लिए कर रहे हैं। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है और चार सिस्टर हैं, सबकी शादी हो गई मुझे छोड़ के, तीन लोगों की शादी हो गई है और बड़ी दीदी मेरे घर में रहती हैं, उनके लिए मतलब भाई आई तो है नहीं मेरे, न पिताजी हैं, तो बड़ी दीदी मेरे घर पे रहती हैं, उनके लिए हमने घर बनवाया है गांव में बहुत बड़ा, तो उनको ही दे दिया, उनके नाम पे कर दिया, कोई बहन तो कर रही है तो बड़ी बात है ना, उनके लिए किया है, नहीं तो आजकल शिवानी करता है। हाँ, क्योंकि हमने राखी पर आपका वीडियो देखा और आपने अच्छे खासे पैसे भी अपनी बहनों को दिए और उनसे राखी बंधवाई, तो ये फीलिंग कैसी थी आपके लिए? जनरली भाई बहनें भाई को राखी बांधती हैं, लेकिन अब आप उन बहनों के लिए ही आप उनकी भाई हैं। हाँ, तो यही होता था कि दीदी आती नहीं थी अपनी ससुराल से और हमें लगता था कि लास्ट में हम ही पैदा हुए हैं, जब एक भाई का मम्मी ये सोचती थी कि एक लड़का पैदा हो जाए फिर उसके बाद भी लड़की पैदा हो जाता, तो हमने सोचा कि हम बन गए हैं जिस लायक तो हम भाई बन जाए, फिर हम उनसे राखी सबसे बंधवाने लगे। और अब शिवानी ने इतना नाम रोशन कर दिया है कि शायद आपकी माँ को भी ये फील नहीं होता होगा कि शायद एक बेटा होता। आशीष, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? शिवानी, कटारिया अभी आपके घर गए थे? हाँ भाई गए थे। अच्छा, अब बड़ा पाव गन से जी, बड़ा
वड़ा पाव गर्ल से हमारी बात हो रही थी तो वो आपसे खासा नाराज थी। नाराजगी की वजह क्या है? बाहर आके भी नाराज थी वो आपसे। अब नाराज हैं तो क्या करें बताओ भैया, ये लोग ने ये लग रहा कि हमने नॉमिनेट किया है इसलिए बाहर आई हैं। तो दिल्ली आके उनके वड़ा पाव स्टॉल पर नहीं जाएंगी? बहुत सारे लोग गए हैं। अभी ये तो पता नहीं, दिल्ली जाएंगे, मौका मिलेगा तो देखेंगे। चलिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी बेबाकी के साथ आप अपनी बातें रखती हैं, अपनी बात कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आँख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।